नन्हे कली बेरहमी से मसली गई। बहिमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना ने खुद पर टूटे जुल्म की दास्तान सुना थी। इस्लामाबाद पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया, बताया कि मुलजिमा सोमिया डंडों और लोहे की सलाखों से मारती थी, बाल पकड़कर सर मारती थी। पुलिस जराए के मुताबिक मजलूम बच्ची ने यह बताया कि जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता था, माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामार। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।